रेट में इसकी बहुत ज्यादा अगर हाई से रीसेल वैल्यू होगी तो 15,000 से 50,000 रुपए में ये गाड़ी आपको इजीली मिल जाएगी। एसी तो आप ये मान के चलो कि एक छोटे से बाथरूम में लगा हुआ 1.5 टन का एसी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गाड़ी है, क्योंकि ये है टाटा की नैनो, जो एक इंडियन ऑटोमोटिव आइकन बन चुकी है आज के डेट में। लेकिन इस गाड़ी का ये दुर्भाग्य रहा कि जब ये सेल पर थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। काफ़ी सारे रीजंस थे और कुछ लोग थे जिन्होंने इसे लिया। यही जानना चाह रहे हैं कि क्या ये लेने लायक थी या नहीं। आज हम इनके ओनर से मिल रहे हैं, मिस्टर दुली। हाय। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पास आज के डेट में एक पीस ऑफ हिस्ट्री है। सो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सस्ती गाड़ी बोल के एडवर्टाइज थी, तो जब आपने ये ली, आपको पड़ी कितने की थी? ये जब मैंने ली थी तो 2,14,000 रुपए की मुझे ये गाड़ी पड़ी थी। 2,14,000 रुपए। और 2,14,000 की तो ये पड़ी थी। अब सवाल यहाँ ये है कि कौन सा वेरिएंट है ये? टॉप वेरिएंट उस टाइम, ये टॉप वेरिएंट था। एसी था इसमें? इसमें एसी था, आपके फॉग लैंप्स, रियर फॉग लैंप्स, ये सारी चीजें थे। जैसा आपने बताया ये 2,14,000 की आई। अब सवाल यहाँ ये है कि जैसे आप जब गाड़ी खरीदने गए तो मन में ये रहा होगा बजट कार लेनी है, ये कितनी ज्यादा बजट थी और इसके कॉम्पिटिटर्स उस टाइम पे कौन कौन से थे और उनका क्या प्राइस था अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो उस टाइम इसके कंपैरिजन में आपकी ऑल्टो आती थी, तो ऑल्टो का इससे लगभग 30 से 40,000 रुपए एक्सपेंसिव पड़ रही थी मुझे। पहली चीज वो थी। बात एक्सपेंसिव की नहीं है, इसका बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस नैनो में है जो कि आपके उस ऑल्टो में मुझे नहीं मिलते। अच्छा, पहली चीज है कि पहला मैं आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ। ये जो लाइट है ये बहुत बोल्ड है और बहुत ब्राइट लाइट है। नैनो की लाइट एक टाटा सफारी जितनी स्ट्रांग है। क्या बात कर रहे हैं! इसकी लाइट इतनी ब्राइट रहती, इतनी रोशनी है कि आप कहीं भी, आप कितने खराब कंडीशन में भी जाइएगा ना, जीरो विजिबिलिटी में भी इसकी लाइट बहुत आपका साथ देगी। मतलब हैलोजन लाइट है, प्रोजेक्टर भी नहीं है, तब इसकी इतनी तारीफ है। और दूसरी चीज ये है कि इसके फॉग लैंप्स भी बहुत अच्छे एडिक्वेट साइज के दिए गए। फॉग लैंप्स एक तो फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, ऊपर से अच्छे मिल रहे हैं। तो इनकी विजिबिलिटी इन चार लाइट से ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक तो आपको इसका लाइट पसंद आया, लाइट बहुत अच्छी थी इसकी। पहली चीज मेरी क्या होती है कि नाइट ड्राइविंग में विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें है। दूसरी चीज बेनिफिट इस गाड़ी में थी, इसका बैठने का अप्रोच एंगल। आप जब इस पर बैठते हो तो आपको ये नहीं लगता कि मैं ऑल्टो में एकदम नीचे चला गया। आपको बैठने के लिए आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दरवाजे इसके जो आज के डेट में भी अल्ट्रोज वगैरह की खासियत मानी जाती है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पे, उसकी वजह से पहले तो आपको जगह बहुत मिल रही है। दूसरी बात, गाड़ी ऑल्टो से थोड़ी ऊंची है तो बैठना आसान है, खास करके एजेड लोगों के लिए भी, और सीट की हाइट भी अच्छी खासी है, प्रॉपर कंफर्टेबल सीटिंग है। प्लस मेरे जैसे 6 फीट के आदमी के लिए बहुत इजीली बैठना, प्लस पूरी सीट के एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्रॉपर ड्राइविंग कार है। और यहाँ पे इनको ठीक ठाक ये भी मिल जा रहा है, बहुत अच्छा, जबकि ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट है। 6 फीट मेरी हाइट है, 6 फीट 1 इंच मेरी हाइट है, 6 फीट 1 इंच जी। और उसके बाद भी मुझे प्रॉपर यहाँ 3 से 4 इंच 5 इंच की जगह मुझे मिलती है अपने सर के ऊपर। कितना भी खराब रोड होगा मैं इसमें टकराऊंगा नहीं। वाओ, वेरी नाइस। दूसरा इसका बेनिफिट जो सबसे ज्यादा था मुझे कि इसकी जो कंफर्टेबिलिटी सीटिंग में, इसके आज भी स्टॉक गद्दे हैं सीट के, 11 साल पुरानी गाड़ी है, आज भी इसकी आप बैठ रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसकी सीट पे प्रॉपर कुशनिंग आज तक खत्म नहीं हुई है। अच्छी सीट्स है, कंफर्टेबल सीट्स है। टाटा की गाड़ियों में मुझे नैनो नहीं लगती कि बकेट सीट लाइक डिजाइन है, और प्रॉपर आप इस पे बैठते हो तो एकदम गाड़ी की ग्रिप रहती है। वेरी नाइस। और तीसरी बेनिफिट इसमें एक थी कि ये गाड़ी मैंने ड्राइव की हुई थी पहले भी, ये गाड़ी आपकी नॉर्मली 110-115 की स्पीड तक चली जाती है, इसका मीटर ही 120 तक है। अच्छा। और मैंने 120 तक भगाई भी है। अरे वाह, सिंगल सीटर में, मतलब मैंने अकेले ही ड्राइव कर रहा था, लेकिन 120 तक सेफ तो नहीं कहा जाएगा। हाँ। लेकिन हाँ, एटलीस्ट ये नहीं है कि आपको ये लगेगा कि ये आपकी ऑल ओवर द रोड नहीं चल रही थी, एकदम स्ट्रेट लाइन में ये चल रही थी। अच्छा, लहरा नहीं रही थी। लहराएगी नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पे ये सवाल कि जैसे आप हाईवे पे ही चलाए होंगे, ऑब्वियसली इतना हाई स्पीड, तो
हाईवे पे जैसे मान लीजिए ऑब्वियसली एनकरेज नहीं है, सिटी कार है सिटी कार की तरह, पर जो आदमी ये ले रहा है ऑब्वियसली उसका मान लीजिए गांव घर से दूर है 20 किलोमीटर दूर है, तो वो अगर 20 किलोमीटर गाड़ी को ले जाना चाह रहा है, रास्ते में 10 किलोमीटर का हाईवे का भी पैच है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि बगैर से भारी ट्रक जा रहा हो तो गाड़ी हिल रही हो या कुछ भी ऐसा, मतलब नहीं, ऐसा महसूस नहीं होता इस गाड़ी पे ऐसा। प्लस बेनिफिट इसका एक और है कि इसकी आगे की जो फ्रंट विंडशील्ड है वो इतनी लार्ज साइज की है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर रोड की विजिबिलिटी और आपके सामने क्या हो रहा है आपको सब कुछ। ये बात तो मैं भी मानूंगा, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, सबसे पहले मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा लेग स्पेस बहुत बढ़िया है, इट इज वेरी वेरी गुड, मतलब मेरे पैर अंत तक पहुंच भी नहीं रहे हैं जबकि मेरी हाइट भी 5'10" 5'11" है और पैर स्ट्रेच कर लो ना तो भी वहीं तक जा रहे हैं, इतनी ज्यादा स्पेस है। नॉर्मली डिजायर वगैरह जैसी भी गाड़ियों में पैर आगे टच होने लगते हैं, और यहाँ पे एक तो ये प्रैक्टिकल कितना है, यहाँ पे 4-5 फोन वोन जो रखना है पर्स वगैरह आराम से रख सकते हो, और ये डीप है तो यहाँ तक भी अगर आपका पर्स आ रहा है तो विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, और बाकी इतना बड़ा शीशा जो है कोई ब्लाइंड स्पॉट तो है ही नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है, जो देखना है देखो। और सिंगल वाइपर मुझे नजर आ रहा है, वाइपर वगैरह का परफॉर्मेंस कैसा है? वाइपर का परफॉर्मेंस छोटी गाड़ी के हिसाब से सही है, परफेक्ट है। आप उसे ब्लेड्स चेंज करके एजलेस ब्लेड लगा लो और उन सब चीजों से थोड़ी सी बेटर हो सकती है। हाँ। तो ऐसा कोई नहीं, वाइपर से कोई इशू आएगा ही नहीं कभी, वाइपर से कोई इशू नहीं आएगा। और भाई देखो इसमें भी ये मैनुअल डिमिंग IRVM मिला है, यही मुझे बहुत बड़ी बात लग रही है, और यहाँ पे ये लाइट आपको हैलोजन मिल जा रही है, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ पे मिरर वगैरह नहीं है पर ठीक है, नैनो है इतना तो आप एक्सपेक्ट करोगे। एसी का परफॉर्मेंस सब बताइए, एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? एसी तो आप ये मान के चलो कि एक छोटे से बाथरूम में लगा हुआ 1.5 टन का एसी है। इसमें जो एसी की कूलिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है, इवन मुझे लगता है कि मेरे पास अभी इनोवा क्रिस्टा भी है, जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी मेरा देखा हुआ है, तो इनोवा की परफॉर्मेंस के आगे इसकी एसी तो कभी मुझे एक नंबर से दो नंबर नहीं करना पड़ता, एक नंबर पे ही फैन, एक नंबर फैन पे ही। मिड जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक नंबर पे भी एसी चल रहा है तो ठंडा लगता है इसमें। ओके okay. इस गाड़ी की कूलिंग कैपेसिटी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट अगर पॉइंट अगर इस गाड़ी में कुछ है तो सिर्फ एसी। वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अच्छा जैसे इसमें रियर इंजन है तो रियर सीट पैसेंजर का कंफर्ट और वो हम आगे पीछे चल के भी देखेंगे, बट ऐसे ऐसे कभी हुआ है क्या कि रियर सीट में लोगों को या तो गर्मी लगी हो या इंजन से थोड़ी हीट आई हो या उस टाइप का कुछ? नहीं कुछ, आप अगर इनिशियल फेज में आप देखोगे जब नैनो की लॉन्चिंग हुई थी तो उस टाइम कुछ गाड़ियों में आग भी लगी थी और कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो टाटा ने उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व भी कर दिया, और ऐसा अभी ये 11 साल पुरानी गाड़ी होने के बावजूद मुझे कभी ऐसा हीट नहीं महसूस हुआ, हीट महसूस नहीं हुआ। प्रॉपर आप इसकी मेंटेनेंस अगर रखते हो तो ये गाड़ी आपको किसी भी रोड पे ले जाएगी और कहीं आपको धोखा नहीं देगा, आज तक तो मुझे टच वुड कभी धोखा नहीं दिया इस गाड़ी ने। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात बोली। और ग्राउंड क्लियरेंस इसका कितना है? ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड इसका 180 है। हाँ। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी इतनी छोटी बनी हुई है और बहुत इसके व्हील के बीच के डिफरेंसेस बहुत कम है, व्हील बेस बहुत कम है, इसकी वजह से ये 180 नहीं ये 200 पार है, क्योंकि वही है कि जैसे आप मान लो एक स्पीड ब्रेकर चढ़ते हो तो जब तक आगे वाला चक्का उतरता है तब तक पीछे वाला चढ़ जाता है, तो इसलिए कभी गाड़ी वो बीच करना जिसे कहते हैं, बीच से जो लड़ता है स्पीड ब्रेकर वो वाला फैक्टर कभी नहीं आता है। और प्लस इसकी ऐसे नॉर्मली डोर के नीचे से आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लगभग 250 प्लस की आपकी साइड में ओपनिंग है। ओके अब बस जैसे इसका मैं बात करता हूँ, एक बार डोर थर्ड सुन लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बड़ी तारीफ है, महिंद्रा थार तक को इस गाड़ी ने पलटा दिया, बड़ा फेमस वीडियो है वो, तो बिल्ड क्वालिटी से कभी आपको कोई शिकायत है उस टाइप का कुछ? नहीं, बिल्ड क्वालिटी से कभी शिकायत नहीं है। टाटा में एक चीज होती है कि अगर आप प्रॉपर मेंटेन करके गाड़ी को रखते हो तो रस्टिंग नहीं आती। टाटा के साथ रस्ट की इशू है क्योंकि उसके लोहे इतने मजबूत होते हैं कि रस्ट बहुत आती है। ओके लेकिन इस गाड़ी में मुझे अभी तक रस्ट तो ऐसा कभी मिला नहीं। हाँ। गाड़ी के कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, मेजर तो नहीं हुए लेकिन इतने हुए हैं कि बोनट मेरा एक बार पचक गया था, सामने से गाड़ी ठुक गई थी, एक बार पीछे से किसी ने ठोक दी थी, दो बार साइड से भी हुआ इम्पैक्ट। तो गाड़ी दूसरे को ज्यादा अफेक्ट दे देती है, अपने पे नहीं लेती, अपने पे नहीं लेती है, जिसके लिए टाटा की गाड़ियां जानी जाती हैं। और बाकी आप डोर थर्ड इसकी सुन सकते हो, ये प्रॉपर अभी भी बहुत इसमें बेस है। हाँ, बेस और है। अगर हम इसमें साउंड डैम्पिंग, बहुत रिसेंटली मैं इसमें साउंड डैम्पिंग भी इंस्टॉल करूंगा, तो उसके बाद मैं आपको उसका फाइनल एक शॉट भी दूंगा उसके लिए कि साउंड डैम्पिंग के बाद अगर इसमें हम साउंड डैम्पिंग कर देंगे तो ये बहुत भारी डोर हो जाएगा और ये एकदम सॉलिड रहेगा। तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अगर आज ये कोई वीडियो देख रहा है हो सकता है सेकंड हैंड मार्केट में भी वो देखना चाहे, माइलेज बता दीजिए प्लीज इसका।
माइलेज ऑन एन एवरेज मुझे 18 की मिल जाती है इस पे, 18 की कंपनी क्लेम्ड आपका 21.1 था उस टाइम, लेकिन अभी भी ये गाड़ी मैं 11 साल से हूँ कर रहा हूँ और लगभग 15 से 18 के बीच में, 15 सिटी में हाईवे पे 18, हाईवे पे तो और ज्यादा जा सकती है, हाईवे पे कैजुअली ये जाती ही नहीं है। हाँ, राइट, तो राइट। मैं सिटी की ही बात कर रहा हूँ, 15 से 18 दे देती है, 15 से 18 सिटी में दे रही है, सिटी में देती है, इवन बहुत टफ ट्रैफिक में ये 15 का एवरेज निकाल रही है, तो विथ एसी वेरी गुड। और बाकी उन्होंने सेफ्टी वगैरह की बात करी दी है। अब यहाँ पे ये जैसे आप इस गाड़ी को काफी दिन से चला रहे हैं, फैमिली वगैरह भी पीछे बैठते होंगे, तो रियर सीट कम्फर्ट कैसा है? आइए रियर सीट पे बैठ के देखते हैं। आ चुके हैं नैनो की रियर सीट में, और रियर सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी बढ़िया, यहाँ पे आपको कंफर्ट कैसा मिल रहा है? परफेक्ट कंफर्ट है, आप इसमें 5 सीटर नहीं कह सकते इसको, हाँ, लेकिन 4+ कह सकते हैं, 4+ कह सकते हैं, चार लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे जैसे आप अभी बैठ गए हो, उसके बाद ही हमारे बीच में इतना स्पेस है कि एक 15 साल का बच्चा आराम से इस पे बैठ के जा सकता है, 15 साल का बच्चा आराम से बैठ सकता है। और सिटी जा रहा है तो ज्यादा नेकरेस्ट वगैरह की पीछे जरूरत पड़ती नहीं है, लेगरूम यहाँ पे ठीक ठाक मिल जा रहा है, और ये अपना थोड़ा जो टाटा वाला जुगाड़ है नीचे से इंजन का कुछ माउंट वाउंट जा रहा है, बट फिर भी यहाँ पैर डालने की जगह बच जा रही है, जो आज के डेट में इनोवा हाईक्रॉस जैसी 36 लाख की गाड़ी में भी नहीं बचती है। इसमें एक साइड आपको लेगरूम ज्यादा मिलता है ड्राइवर साइड में, अपोजिट में आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है, और भाई थोड़े से एक्सपोज बिट्स में आपको दिखा दूं, देखो वहां पे बैटरी नजर आ रही है उसकी, ये सारी छोटी छोटी चीजें, सब चीजों को आप थोड़ा सा कवर आउट कर सकते हो अपने से, आपको कस्टम में कुछ बिल्ड करके हम इसे क्लोज कर सकते हैं, करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, मतलब नैनो की ब्यूटी यही है कि भाई जो थोड़ी बेयर बोन्स गाड़ी है, बेयर बॉक्स गाड़ी है, और प्लस इसमें बेनिफिट ये होता है कि इंस्टेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने हाथ से इस गाड़ी को रिपेयर कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। एक बेनिफिट और इस गाड़ी का दिखा देता हूँ कि इसमें पीछे थोड़ा सा ये इंजन कंपार्टमेंट है आपका, नीचे आपको इंजन कंपार्टमेंट मिल जाएगा, ये नीचे डायरेक्ट, अब इसमें यहाँ कुछ बोल्ट्स ऐसे ओपन करके हम वापस इंजन की सर्विस कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से पैकिंग लगा कर इतना स्पेस है कि अर्जेंट में आप कुछ बैग को यहाँ पर रख सकते हो फॉर अ शॉर्ट ट्रेवल टाइम, लॉन्ग ट्रेवल में आपको ये ज़्यादा हीट होगा एरिया, इसलिए उसको बचाने के लिए हमें शॉर्ट ट्रेवल में ही कवर करना होगा। हाँ, प्रैक्टिस सेफ नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है, बट इमरजेंसी के लिए है भाई, कोई नैनो ले रहा है तो उसको ऑब्वियसली आपको 40-50 किलोमीटर जाना है तो आप उसे ये कवर कर सकते हो। और रियर लुक इसका इस टाइप का है, BS4 गाड़ी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बेंट्स दिए हुए हैं इंजन को वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे छोटा सा एक स्पॉयलर भी हमें मिल जाता है, बड़ा ही छोटा सा क्यूट सा हमें स्पॉयलर मिल जाता है। आइए एक बार सामने से इसका देख लेते हैं, कहाँ पे इसका फ्यूल लिड है और वॉशर फ्लूइड वगैरह कहाँ पे जाता है, वो सब भी बड़े अतरंगी जगहों पर मिलता है इस गाड़ी में। तो ये इस गाड़ी का अपना फ्रंक बोलते हैं जनरली सुपर कार्स में, फ्रंट ट्रंक, लेकिन ये ट्रंक तो नहीं है, लगेज स्टोरेज नहीं है, लेकिन यहाँ 12 इंच के इसमें आपको ये व्हील, इसके व्हील्स 12 इंच के हैं, पहले मैं आपको ये दिखा दूं, 12 इंच के इसमें आपको व्हील्स मिल जाते हैं, तो 12 इंच के जो व्हील्स हैं स्पेयर व्हील आपको यहाँ सामने मिलता है, और इसका जो वॉशर फ्लूइड है वॉशर फ्लूइड यहाँ से जाता है, और इसका जो फ्यूल लिड है फ्यूल लिड आपको वहाँ से जाता है, आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका फ्यूल लिड है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर कस्टमर्स। और यहाँ पे कंक्लूजन में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई अगर 2023 में भी ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है उसको ये बहुत सस्ती मिल रही हो, हज़ारों में मिल रही हो, जब 2,14,000 की थी तो ये 70-80 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार में भी किसी को अच्छी मिल रही है। आज के डेट में इसकी बहुत ज्यादा अगर हाई से रीसेल वैल्यू होगी तो 15,000 से 50,000 रुपए में ये गाड़ी आपको इजीली मिल जाएगी। तो 15 से 50 में ये गाड़ी लेने लायक है मेंटेनेंस वाइज, या ऐसे जैसे अगर कोई वही बजट में सेकेंड हैंड बाइक देख रहा है, शाइन वगैरह जिस प्राइस में आती है उस प्राइस में आपको ये आ जाएगी एक प्रॉपर AC कार, तो लेने लायक है कि नहीं, और वो लेके दुखी तो नहीं होगा, ये आप बताइए। आप इस गाड़ी को 15 से 50 हज़ार के बजट में, अगर गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, 50 हज़ार में अटमोस्ट कंडीशन मिल जाएगी, जैसे कि ये है अभी ये प्रॉपर कंडीशन में है, इसमें इंजन में कोई काम नहीं है, वर्क्स ब्रेक हर चीज प्रॉपर मेंटेन है चलने के लिए, छोटे मोटे एस्थेटिक, अगर 50 हज़ार में मुझे ये गाड़ी मिल जाए और मैं इसे 20 हज़ार रुपये लगा दूँ तो ये एकदम नई जैसी हो जाएगी। 70 हज़ार रुपये में मेरे पास 4 व्हील्स हैं जो कि एक बाइक से ज्यादा एक्सीडेंट में मुझे बचाएंगे। करेक्ट, सैटिस्फाइड ओनर है। एक टैगलाइन है जो रतन टाटा जी ने बाद में शेयर किया था कि उन्होंने कहा कि हमने इस गाड़ी को जब प्रमोट किया था तो इसे इंडियाज मोस्ट चीपेस्ट कार प्रमोट किया था, ना कि इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल कार,
जो कि उनका फेल्योर का रीजन उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये फेल्योर का रीजन है। अगर हम इसे मोस्ट अफोर्डेबल कार कहते तो शायद ये आज इंडियन रोड्स पे रहती और तब भी हम आपको और हमें MG की जैसे एक गाड़ी आई है नैनो के जैसी कॉमेट तो कॉमेट जैसी गाड़ी हमें नई परचेज करनी पड़ती क्योंकि इसकी एक अच्छी खासी माइलेज है। और इनकेस अगर इसमें हो सकता था कि अगर आज की डेट में नैनो आती तो इसमें CNG होता, CNG पे इस गाड़ी की कुछ लोगों ने बजाज क्यूट वगैरह है जो ऑटो है चार पहियों पे उससे ये प्रॉपर कार थी। एक बजाज क्यूट 220 सीसी का इंजन है उसका, ये 625 सीसी का इंजन है। इसकी रियल लाइफ माइलेज 35 से 40 के बीच में है CNG पे। कुछ लोगों ने CNG इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि लास्ट जनरेशन नैनो में आपका डिग्गी भी आ गया था, प्रॉपर डिग्गी ओपन होता था तो उसमें कुछ लोगों ने CNG इंस्टॉल किया है। ऐसे तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है लेकिन फिर भी आपके डेट में अगर देखते हैं तो 2.5 रुपए किलोमीटर का एवरेज आता है। 2.5 रुपए किलोमीटर का 2.5 रुपए किलोमीटर में आपको एक अच्छी खासी गाड़ी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है प्रॉपर मिली है जो थार को पलटा सके और थार को पलटा सके। और आपके क्यूट में AC नहीं है, इस पे AC है। वही बात नहीं, क्यूट इज बेसिकली ऑटो ऑन फोर व्हील्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। बजाज वो आप जब भी देखोगे तो आपका ना फिट एंड फिनिश है, जैसे इसकी सीट्स की क्वालिटी देखो, इसमें जो भी आप देखोगे इट फील्स लाइक अ कार दैट फील्स लाइक अ ऑटो ऑन फोर व्हील्स। और यही है, बस यही है कि यहाँ पर अगर आपके मन में है ये लेने के लिए और अगर आपके मन में कोई और सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड, देखो इसमें आपको पावर मिल जा रहा है, जैसे इन्होंने बताया पावर मिल रहा है, माइलेज मिल रहा है, लुक्स भी मिल रहे हैं, एक आइकॉनिक लुक्स हैं इसके, ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके बताओ, जरूर हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।